हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 के बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड और LXi वेरिएंट के बीच में, जहां पर आपको इन दोनों ही मॉडल्स के बीच में करीब 17 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। प्राइस डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में आपको एक्स शोरूम कॉस्ट पर करीब 64,000 रुपए का डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो डिटेल कंपैरिजन को जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाहन ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोनों के बीच सबसे पहला डिफरेंस आता है एसी विद हीटर का, जहां पर आपको ऑल्टो 800 के LXi वेरिएंट के अंदर एसी विद हीटर के साथ दिया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। दूसरा डिफरेंस है पावर स्टीयरिंग का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइप पावर स्टीयरिंग दी जाती है, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल टाइप की मिलती है। तीसरा डिफरेंस है पावर विंडोज का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट टू पावर विंडोज दी जाती हैं, जिसके कंट्रोल आपको सेंटर कंसोल पर मिलते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको सभी विंडोज मैनुअल ऑपरेशन के साथ ही दी जाती है। चौथा डिफरेंस है व्हील कवर का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको फुल व्हील कवर्स दिए जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको सेंटर कैप के साथ मिलते हैं। पांचवा डिफरेंस है फ्रंट एंड रियर बम्पर का। तो स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर बम्पर ब्लैक कलर में दिए जाते हैं, जो कि LXi वेरिएंट के अंदर आपको बॉडी कलर के मिलते हैं। छठा डिफरेंस है चाइल्ड लॉक के फंक्शन का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको रियर डोर्स पर चाइल्ड लॉक भी दिया जाता है, जिसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको चाइल्ड लॉक नहीं मिलता। सातवां डिफरेंस है सीट अपहोल्स्टरी का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको फैब्रिक प्लस विनाइल सीट अपहोल्स्टरी दी जाती है, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको विनाइल सीट अपहोल्स्टरी ही मिलती है। आठवां डिफरेंस है इनसाइड डोर हैंडल्स का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के अंदर दिए जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको अनपेंटेड यानी के ब्लैक कलर में ही मिलते हैं। नवा डिफरेंस है बूट एंड फ्यूल लीड ओपनर का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको बूट एंड फ्यूल लीड ओपन करने के लिए इंटरनल रिमोट टाइप का बटन मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। यहाँ पर आपको की हेल्प से ही बूट और फ्यूल लीड को आप ओपन कर सकते हैं। दसवां डिफरेंस है डिजिटल क्लॉक का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिजिटल टाइप की क्लॉक भी दी जाती है, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती। ग्यारहवां डिफरेंस है रियर सीट के हेड रेस्ट का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको रियर सीट में हेड रेस्ट दिए जाते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड टाइप के मिलते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको रियर सीट पर हेड रेस्ट नहीं मिलते। बारहवां डिफरेंस है सीट बेल्ट का। तो स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट यानी के ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड सीट बेल्ट्स दिए जाते हैं, जबकि LXi वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगहों पर सीट बेल्ट मिलती है, और रियर में भी आपको ELR टाइप के सीट बेल्ट्स दिए जाते हैं। तेरहवां डिफरेंस है फ्रंट वाइपर्स का। तो ऑल्टो 800 के LXi वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट में दो वाइपर्स दिए जाते हैं, जो कि इंटरमिटेंट टाइप के होते हैं, यानी कि ये रुक रुक कर चलते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको दो वाइपर्स तो मिलते हैं, लेकिन ये आपको इंटरमिटेंट टाइप के नहीं दिए गए। चौदहवां डिफरेंस है सिल्वर के फिनिश का। तो ऑल्टो 800 के LXi वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील और एसी के वेंट्स पर सिल्वर का फिनिश देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। पंद्रहवां डिफरेंस है सन वाइजर्स का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड सन वाइजर दिए जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड ही सन वाइजर मिलता है। सोलहवां डिफरेंस है कलर ऑप्शंस का। तो ऑल्टो 800 के LXi वेरिएंट के अंदर आपको 6 कलर्स के ऑप्शन दिए जाते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ दो कलर का ही ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको सिल्वर और वाइट कलर का ऑप्शन दिया गया है। और सत्रहवां डिफरेंस है फ्यूल ऑप्शंस का। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको पेट्रोल एंड पेट्रोल प्लस CNG फ्यूल का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल फ्यूल का ही ऑप्शन मिलता है। इन सभी फीचर्स के अलावा आपको दोनों ही कार्स में बाकी सभी फीचर्स सिमिलर ही दिए जाते हैं, जैसे कि सिंगल ड्राइवर साइड एयर बैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम,
और ट्यूबलेस टायर जैसे बाकी सभी फीचर यहाँ पर आपको सिमिलर ही दिए गए हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के प्राइजेस की, तो ऑल्टो 800 के स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक्स शोरूम कॉस्ट आपको 2,99,800 रुपए का दिया जाता है, जो कि ऑन रोड कॉस्ट डेली आपको 3,47,000 रुपए तक जाता है, जबकि LXi वेरिएंट का एक्स शोरूम कॉस्ट आपको पेट्रोल के अंदर 3,63,900 रुपए का मिलता है, जो कि ऑन रोड कॉस्ट करीब आपको 4,17,000 रुपए तक जाता है। प्राइस डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्स शोरूम कॉस्ट पर आपको 64,000 रुपए और ऑन रोड कॉस्ट पर करीब 70,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात करें आपको कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू फीचर्स आपको ऑल्टो 800 का LXi वेरिएंट परचेस करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे बेसिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि AC हीटर, पावर स्टेयरिंग, फ्रंट टू पावर विंडोज, व्हील कवर्स। लेकिन इस वेरिएंट के अंदर भी आपको कुछ और बेसिक फीचर्स नहीं मिलते, जैसे कि सेंटर लॉकिंग और म्यूजिक सिस्टम, जिसके लिए आपको कम से कम VXi वेरिएंट तक अपग्रेड करना होगा। तो दोस्तों, ये थे कंप्लीट डिफरेंसेस इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।